पानी पानी दिल्ली, आपकी दरिया दिल्ली नहीं, दरिया दिल्ली। क्या करते हैं आपको दिल्ली को ना लंदन, पेरिस और शंघाई बनाने का ना केजरीवाल मॉडल आज आपको दिखाते हैं। सिर्फ एक दिन की बारिश, सिर्फ एक दिन की बारिश और दिल्ली की स्थिति गंदे नाले जैसी हो गई है। बहुत बुरा लग रहा है कहते हुए, लेकिन दिल्ली की स्थिति जो है ना वो गंदे नाले जैसी हो गई है। मतलब बसें डूब गई हैं, सड़कों पर बाढ़ आ चुकी है, लोगों को रस्सियों से रेस्क्यू करना पड़ रहा है, रस्सियों से रेस्क्यू करना पड़ रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें, आप ये देखिए क्या हाल हो गया। ये दिल्ली का हाल है, ये देश की राजधानी का हाल है। लोगों को रस्सियों से रेस्क्यू करना पड़ रहा है। रिंग रोड पर पानी पानी, जलमग्न, पूरी दिल्ली जलमग्न। जैसे ये देखिए आप तस्वीर देखिए, कह रहा था ना गंदे नाले जैसी स्थिति। ये देखिए आप, सोचिए किसी के घर के सामने ऐसी तस्वीरें हो। ये घर दिल्ली की ये तस्वीरें हैं, ये सारी जो सामने लोकेशंस भी ऊपर लिखी हुई हैं। ये हाल दिल्ली का, शंघाई बनाया था। क्या कहा था आम आदमी पार्टी ने? भाई आज तो सवाल होंगे ना आम आदमी पार्टी से, मतलब दिल्ली में हमारी सरकार बना दो, दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे, दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे। देखिए लंदन, देखिए लंदन दिख रहा है आपको, आजाद मार्केट, मिंटो रोड, रिंग रोड, मलकागंज, ढूंढिया के लंदन पेरिस अगर दिख रहा हो आपको तो। उधर नीचे विनोद नगर, श्रीनिवासपुरी, गुलाबी बाग और उधर लोधी रोड, कहीं अगर आपको लंदन पेरिस जैसी स्थिति कहीं नजर आ रही होगी। ये हाल दिल्ली का, क्या कहा क्या था आज? तो सवाल पूछने होंगे ना दिल्ली में। कहा था कि हमारी सरकार बना दो, लंदन पेरिस बना देंगे। देखिए लंदन पेरिस बना देंगे, एमसीडी में हमें जिता दो, दिल्ली को शंघाई जैसा बना देंगे। शंघाई की तस्वीर देख रहे हैं आप, शानदार शंघाई। दिल्ली में पानी की कमी नहीं होने देंगे, दिल्ली को झीलों का, अच्छा इस ये वादा शायद पूरा हो गया। ये ऊपर भी तस्वीरें देख रहे हैं आप, सारी तस्वीरें ऊपर चल रही हैं। दिल्ली को क्या करेंगे, झीलों का शहर बना देंगे। आज झीलों का शहर तो शायद बना दिया, उसमें शायद वो वादा पूरा किया। अच्छा केजरीवाल जी ने क्या कहा था, झीलों का शहर बना देंगे? झीलों का शहर तो नहीं बनी, लेकिन गंदी झील जैसी जरूर नजर आ रही है। बहुत बुरा लग रहा है कहते हुए, देश की राजधानी है दिल्ली। मतलब अच्छा एमसीडी की मेयर क्या कह रही थी, आम आदमी पार्टी के नेता शैली ओबराय, मतलब उनके तो शब्द आपको बताऊं क्या कहा था उन्होंने। अच्छा इन महिला को सोचिए बेचारी, जो मिट्टी के बर्तन वो बनाती हैं, वो पानी के अंदर इस तरह से बिन रही है, ढूंढ रही है। ये देखिए आप, मतलब ये इतनी मार्मिक तस्वीर आज हमें लगी थी। ये मिट्टी के बर्तन बनाती हैं, बारिश आई, इनका सारा जो है वो सब धुल गया। अच्छा मैं बता रहा, शैली ओबराय क्या कह रही थी, मेयर दिल्ली की। वैसे गनीमत है मेयर अब तक धरने पर नहीं बैठी, अनशन पर नहीं बैठी, क्योंकि जल संकट, जो जल मंत्री अनशन पर बैठ गई थी, आज लगा शायद एमसीडी की पोल खुल गई दिल्ली में तो शायद मेयर कहीं धरने पर ना बैठ जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले इस बार मानसून इंजॉय करेंगे। कितना इंजॉय किया आप लोगों ने? दिल्ली वाले मानसून इंजॉय करेंगे क्योंकि नगर निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। एक महीने से कड़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, शैली ओबराय दिल्ली की मेयर, एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। दिल्ली वाले इंजॉय करिएगा इस बार मानसून, 93% नालों की सफाई हो चुकी है, शानदार काम। ये देखिए एक्शन प्लान देख रहे हैं आप, एक्शन प्लान, इंजॉय कर, इंजॉय तो कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे साहब इंजॉय कर रहे हैं ये लोग। ये थी एक महीने की कड़ी मेहनत, ये थी 93% झीलों की सफाई, एक दिन की बारिश में, मतलब दिल्ली में ये हालात, बाढ़ जैसे हालात, लोगों को रस्सी से रेस्क्यू करना पड़ रहा है। मतलब क्या कह रहे थे आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज, दिल्ली में बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी है। सौरभ भारद्वाज ने बयान तब दिया था जब दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरस रही थी। सबको पता था मानसून आने वाला, ये वो तस्वीरें, यानी जब दिल्ली को पानी की जरूरत थी तब दिल्ली को बाढ़ से बचाने के लिए दावे हो रहे थे, और जब दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति है तब हो सकता है केजरीवाल सरकार अब कह दे कि अब तो मतलब दीपावली में प्रदूषण से निपटने की तैयारी हो रही है ना, इसलिए शायद ध्यान नहीं जा रहा है इस पर। 92 से 93% तक हम सभी ड्रेन्स की सफाई कर चुके हैं, और जो हमारे 4 फीट से नीचे के नाले हैं, ड्रेन्स हैं, उनकी 85% तक हम लोग उनकी साफ सफाई कर चुके हैं। और साथ ही दिल्ली की जनता को आश्वासन देना चाहूंगी कि इस बार दिल्ली की जनता मानसून एंजॉय करे। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। अभी जितनी झीलें, 26 झीलें बनके तैयार हो गई हैं। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं। पिछले साल जो बारिश आई और जो पीछे से पानी छोड़ा गया, इतना पानी कई दशकों में दिल्ली में नहीं आया था।
मगर इस बार इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने इसकी सारी तैयारियां की हैं कि पिछली बार जितना पानी भी आ जाएगा तो दिल्ली में कम से कम यमुना में बाढ़ नहीं आएगी, यमुना का पानी सड़कों पे नहीं आएगा। मतलब ये राजधानी की स्थिति है और शैलेश रॉय जो मेयर हैं वो कह रहे हैं कि पिछली बार इतने हालात पिछली बार से बेहतर है हालात। मतलब मानसून की बारिश के फर्स्ट डे का फर्स्ट शो ऐसा इतना खौफनाक इतना भयानक। अब मतलब सोचिए आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। शुरू हुआ अभी तो मानसून, अभी तो दस्तक दी है। जो दिल्ली को देश की राजधानी कह जाने पर इतराते फिरते होंगे ना, उन्हें दिल्ली की स्थिति देखनी और समझनी चाहिए। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये दुर्भाग्य दिल्ली वालों का है साहब, ये दिल्ली वालों का आपका दुर्भाग्य। तस्वीरें देखिए आप। मतलब कुछ दिनों पहले क्या हो रहा था, दिल्ली के लोग बेचारे टैंकरों के पीछे बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे, दौड़ रहे थे। आज डूब रहे, पानी पानी सिस्टम, पानी पानी दिल्ली, बाढ़ जैसे हालात। बारिश का कसूर आम आदमी पार्टी बेकसूर। झुलसती गर्मी में बूंद बूंद के लिए तराई माम मचा हुआ था। अभी कुछ दिनों पहले की खबर है ये, जब दिल्ली में मानसून की पहली बारिश हुई, दिल्ली की स्थिति गंदे नाले जैसी हो गई है। ये दिल्ली को लंदन, पेरिस, शांघाई बनाने का पता नहीं क्या क्या सच दावे किए गए थे। आप सोचिए, जब दिल्ली में पानी का संकट था ना, तो आम आदमी पार्टी ने कहा था कि इसके लिए हरियाणा जिम्मेदार है। पानी नहीं मिल रहा है, वो हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। और जब दिल्ली ड्रेनेज चोक होने की वजह से झील बन गई, तो इसके लिए मानसून जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम क्या करें जी, बारिश ने 88 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो क्या तैयारी थी आपकी? मानसून की 25% बारिश आज ही हो गई। 2023 में जब दिल्ली में बाढ़ आई थी तो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि हरियाणा ने साजिश के तहत पानी छोड़ा। यानी ये सब या तो बारिश का कसूर है या हरियाणा का कसूर है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बेकसूर है। लेकिन सवाल है ना भाई, जब पानी का संकट था तो हरियाणा जिम्मेदार था। अब ये पानी निकालने हरियाणा थोड़ी ना आएगा, ये हरियाणा की जिम्मेदारी थोड़ी ना है। जल संकट था, जल मंत्री धरने पर, अब ये जल जमाव की स्थिति है, क्या मेयर धरने पर जाएंगी? तकरीबन दिल्ली में पूरे मानसून के सीजन में 800 mm बारिश होती है, यानी 24 घंटे में ही मानसून की तकरीबन 25% बारिश हमने दिल्ली में देखी है। इतनी ज़्यादा बारिश 24 घंटे में होने से दिल्ली में कल रात से और खास करके आज सुबह काफ़ी जगह पर वाटर लॉगिंग हुआ। हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। लेकिन जितनी तेजी से पानी को दिल्ली भेजा जा रहा है, अगर उस गति को थोड़ा कम कर दें तो यमुना के स्तर को और ऊपर जाने से हम रोक सकते हैं। सोचिए, मुख्यमंत्री जेल में है, CBI वहां पूछताछ कर रही है, जल मंत्री का अनशन चल रहा था, मेयर सामने मोर्चा संभाले हुई है, लेकिन मानसून और उधर आम आदमी पार्टी के नेता संसद में वैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। मानसून की पहली बारिश ने ही दिल्ली को दरिया बना दिया। बद इंतजामी का हाल यह कि कई इलाकों में तो मतलब घरों में भी पानी घुस गया। मतलब पूरी दिल्ली का हाल क्या है और कौन है इसके लिए जिम्मेदार, हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ऐसा करते हैं, आज की 8 बड़ी तस्वीरें, भयानक खौफनाक तस्वीरें दिखाएंगे आपको। सोचिए क्या है हमारी आपकी राजधानी का हाल। पहली तस्वीर दिल्ली के श्रीनिवासपुरी, ये वो तस्वीर, एक एक करके तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, देखिएगा। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी के एक कॉलोनी की ये तस्वीरें हैं। दोनों तरफ मकान है, गली में गाड़ियां खड़ी हैं और पानी का बहाव ऐसा जैसे सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। मतलब गंदे नाले जैसी स्थिति है। सोचिए आसपास जो लोग रह रहे होंगे। ये श्रीनिवासपुरी दिल्ली। दूसरा, दिल्ली के रिंग रोड, ये रिंग रोड है, ये देखिए आप, ये रिंग रोड है, बस के ऊपर की छत दिख रही है सिर्फ, ये रिंग रोड है। मतलब दिल्ली की शान है ये रिंग रोड। पता ही नहीं चल रहा है ये रिंग रोड में रोड कहां है। बस मतलब नाव चलाते ही इसे नदी का नाम आप दे सकते हैं, जो हाल हो गया है, आप सोचिए। अगली तस्वीर, सारी तस्वीरें दिल्ली के आजाद मार्केट अंडरपास, ये देखिए आप, ये दिल्ली के आजाद मार्केट अंडरपास की इस तस्वीरों को देखकर सोचिए कि क्या हो सकता है। मतलब बस में यात्री बैठे थे, पानी का अंदाजा लगाइए, बिना ड्राइवर ने गाड़ी उतार, वहां पर गाड़ी उतार दी, कई घंटों तक चले रेस्क्यू के बाद, रेस्क्यू करना पड़ा, ये देखिए आप, फिर लोगों की जान बचाई जा सकी, वहां से लोगों की जान बचानी पड़ी, बस अंदर पहुंच गई, अंदर यात्री थे, जान खतरे में थी, लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। अगली तस्वीर दिखाइए, मलकागंज, ये देखिए आप, मलकागंज चौक की तस्वीर, गाड़ी अंदर घुस गई, शांघाई
पेरिस, दिल्ली का सबसे मतलब मशहूर हंसराज कॉलेज है, यहाँ पर खड़ी गाड़ी बारिश में धंसी, मतलब जमीन के अंदर धंस गई। अगली तस्वीर दिखाइए, क्योंकि सारी तस्वीर आज देखना जरूरी है, आईना दिखाना जरूरी होता है ना नेताओं को। दिल्ली के रोहिणी इलाके का भी हाल है, ये रोहिणी का देखिए गाड़ी का अंदर घुस गई, किसकी गाड़ी बेचारा, खुशकिस्मत है बगल में खाड़ी मतलब जो गाड़ी का मालिक उसकी गाड़ी बच गई, देखिए साथ में गाड़ी है, हालांकि जो हाल उसमें कब तक बची रहेगी गाड़ी भी उसका भी वैसे कुछ कह नहीं सकते। अगली तस्वीर, ये सारी तस्वीरें पानी के इस प्रलय में डीटीसी बसों, ये देखिए डीटीसी बसों के अंदर पानी घुस गया, डीटीसी बसों के अंदर हाल देखिए, पूरी बस में से पानी पानी, ये हाल है दिल्ली का, ये बसों के अंदर पानी घुस गया। अगली तस्वीर दिखाइए, बारिश से गरीबों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा, ये सबसे मार्मिक तस्वीर है ये आज की, मतलब उसकी कहानी बयां करने वाली है। तस्वीर पहाड़गंज से आई, देखिए मिट्टी के बर्तनों को एक महिला पानी से इस आस में निकाल रही है, शायद कुछ तो सही सलामत मिल जाएंगे, देखिए आप कुछ तो सही सलामत मिलेगा, लेकिन चलिए धरना वरना चल रहा है। अगली तस्वीर, बारिश की सबसे दर्दनाक तस्वीर दिल्ली के एयरपोर्ट से आई, ये पूरी खबर मैं आगे आपको दिखाऊंगा इस पर कैसे पॉलिटिक्स हो चुकी है, लेकिन बारिश की वजह से ना एयरपोर्ट के टर्मिनल एक की छत गिरने से एक कैब ड्राइवर की उसमें दर्दनाक मौत हो गई है। इसके अलावा अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, और ये सारी तस्वीरें और इसको लेकर क्या पॉलिटिक्स हो रही है वो देखिए आप। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा, पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी खूबसूरत। तैयारी हो चुकी है, हमारे सभी नाले साफ हो चुके हैं, हमारा मकसद है कि दिल्ली की सड़कों को बेहद खूबसूरत बनाया जाए। सड़कों पे जहां भी पानी का जो जलभराव की समस्या थी उसे निजात करने के लिए जो नगर निगम है पूरी तरह से तैयार। पहली बारिश दिल्ली बेहाल, सड़कों में पानी, जगह जगह जल भराव, कहीं गाड़ियां डूबी, कहीं घरों में पानी घुसा, जेल में सरकार, दिल्ली लाचार। आपकी आंखों को शायद यकीन ना हो, ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, वही दिल्ली जिसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लंदन पेरिस जैसा बनाने का दावा करते थे, जिस दिल्ली में देश के बड़े से बड़े वीवीआईपी रहते हैं, लेकिन पहली ही बारिश ने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। मैं बिल्कुल सड़क पे चल रही हूँ पर ऐसा लग रहा होगा कि मैं कहीं पानी की किसी जगह पर हूँ, और यहाँ आप देखें कि मेरे घुटने से तकरीबन टच होता हुआ पानी है इस पूरी सड़क का, जहाँ लोग जो हैं जो फुटपाथ पर चल रहे हैं वो भी ऐसे चल रहे हैं जहाँ पर पूरा पानी भर गया है, और ये आपको सीधा नेशनल मीडिया सेंटर के सामने की तस्वीरें दिखा रही हूँ। आम लोगों के घर हों या हाई प्रोफाइल इलाके, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में हुई बारिश की मार सब पर पड़ी है। भारी बारिश से दिल्ली की सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, सड़कों पर नाव चल रही है। दिल्ली के विनोद नगर की ये तस्वीरें बताती हैं कि दिल्ली कैसे दरिया में तब्दील हो चुकी है। ये पीडब्ल्यूडी का नाला सारा ओवरफ्लो है, मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से जलभराव की समस्या आ चुकी है। हम सदन में बार बार ये आवाज उठा रहे थे, हमने सदन में कहा निगम के सदन में कि नालों की सफाई कराइए, पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई कराइए। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के मोतीबाग, धौला कुआं, शांति पार्क, मिंटो रोड, मूलचंद बांध, ITO समेत कई इलाके पानी पानी हैं। आजाद मार्केट फ्लाईओवर की ये तस्वीरें देखिए, इस फ्लाईओवर के नीचे पानी भरने से कई गाड़ियां और बसें डूब गईं, लोगों को रस्सी के जरिए रेस्क्यू करना पड़ा।
रोड, इस टनल के जिस रोड की तरफ है, ये रास्ता सीधा इंडिया गेट से होते हुए यहाँ से सीधा आगे रिंग रोड पर निकलता है। और अब यहाँ के सूरत हाल देख लीजिए, तकरीबन सुबह के बाद एक बार भी बारिश नहीं हुई है, यानी कि कई घंटों का समय बीत चुका है, लेकिन इस टनल के अंदर पानी अब भी भरा हुआ है। कई इलाकों में सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से गाड़ियां डूब गई हैं, सड़कों पर नाव चलने लगी, ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। इसका असर मेट्रो पर भी पड़ा। यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन पर एंट्री एग्जिट बंद कर दी गई है। दिल्ली एरो सिटी मेट्रो स्टेशन से IGI टर्मिनल 1 एयरपोर्ट के बीच शटल सर्विस सस्पेंड है। भारी बारिश के बाद दिल्ली के इस बस में पानी भर गया। इस बस का हाल देखिए, जिन इलाकों में पानी भरा है लोग खुद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और अपने इलाके का हाल बता रहे हैं। ये है चांदनी चौक का हाल। केजरीवाल जी ने जो हमारे पैसा लगाया है सरकार का, उन भिंडी को जरा बताया जाए। ये लाल किले के सामने का जो ये रोड है, बरामदा तक देख सकते हो तुम, ये लाल किले का लाल मंदिर है और ये श्री गौरी शंकर मंदिर है। यहाँ पर ऐसा पानी भरा हुआ है, सोच सकते हैं आप कि कितना पैसा बर्बाद करा है केजरीवाल जी ने हमारा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बीते 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है और ये बारिश पिछले 88 सालों में जून के महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश है। इससे पहले जून 1936 में 24 घंटे में 235.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी तो ये बारिश की शुरुआत है। सिर्फ 24 घंटे की बारिश में दिल्ली दरिया बन चुकी है। आने वाले समय में अगर बारिश और भी तेज हुई तो दिल्ली का क्या होगा? मतलब इसमें कि गर्मियों में बूंद बूंद जल को तरसे नर नारी, बरसात आते ही झील बन जाए धरती सारी, निकम्मी सरकार धरने पर बैठे, धरने पर जनता देती गारी। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रागिनी नायक ने कहा है, निकम्मी सरकार कांग्रेस कह रही है। ये बड़ी खबर है साहब। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जो है लड़ाई शुरू हो गई है, उधर वहां समर्थन मिल ही नहीं रहा, अरविंद केजरीवाल जी जेल में, उसको लेकर आम आदमी पार्टी वहां धरना देती है तो कांग्रेस शामिल नहीं होती है। और अब कांग्रेस कह रही है निकम्मी सरकार, आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार को निकम्मी सरकार का है, निकम्मी सरकार बैठे धरने पर जनता देती गारी, बूझो तो जाने कौन सी है वो नगरी बेचारी। रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करा है। लेकिन सवाल है कि जिम्मेदार कौन, मतलब आखिर बारिश की शुरुआत होते ही दिल्ली की इस हाल के लिए ना जिम्मेदार कौन है, ये आप जानना चाहेंगे ना। और ड्रेनेज सिस्टम की इसमें क्या भूमिका होती है, जो फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। दिल्ली के लिए ड्रेनेज सिस्टम 1976 में बना था, 1976, उस वक्त दिल्ली की आबादी कितनी थी, 60 लाख, अभी कितनी है शायद 2.5 करोड़ के आसपास बताया जाता है, 2.5 करोड़ अनुमानित आबादी, 2.5 करोड़, तब 60 लाख थी। दिल्ली में बढ़ती आबादी को देखते हुए 2004 में एक बार फिर से मतलब ड्रेनेज प्लान पर काम शुरू हुआ, नए सिरे से ड्रेनेज प्लान की, 60 लाख को लेकर बना, अभी तो हम 2.5 करोड़ हो गए दिल्ली वाले, तो इस पर प्लान शुरू हुआ। साल 2018 में ये बनकर तैयार हो गया, साल 2018, अब 2024 चल रहा है, 6 साल पहले बने प्लान पर काम क्या हुआ कि दिल्ली को ये दिन देखना पड़ रहा है। सवाल ये भी कि मानसून आने से पहले दिल्ली के कुल 201 नालों की कितनी सफाई हुई कि दिल्ली वालों को ये दिन देखना पड़ रहा है। अब आप सोचिए, ये उस दिल्ली का हाल है जहां लोग टैक्स से सरकार को मालामाल कर रहे हैं। आप टैक्स दे रहे हैं ना, आपको ये मिल रहा है बदले में। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली सरकार का टैक्स कलेक्शन 2022-23 के दौरान 47,362 करोड़ रुपए था, 47,362 करोड़,
वो पिछले वर्ष वित्त वर्ष 23-24 में बढ़कर जो है वो पहुंच गया 53,680 करोड़, 13% की बढ़ोतरी, 13% एक्स्ट्रा टैक्स दिल्ली को आप लोगों ने दिया, दिल्ली वालों ने दिया, बदले में आपको क्या मिला? और उस दिल्ली और दिल्ली वालों का हाल जो है ना वाकई हैरान कर देने वाला है। दिल्ली की जनता को आश्वासन देना चाहूंगी, दिल्ली की जनता मॉनसून एंजॉय करे। पीडब्ल्यूडी का नाला सारा ओवरफ्लो है, मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई। 28 मिलीमीटर बारिश 24 घंटे में 1936 के बाद पहली बार कल दिल्ली में देखी गई। यही आम आदमी पार्टी की असली व्यवस्था है। विज्ञापन पर पूरा जोर है, व्यवस्था कमजोर है। पता नहीं है NDMC किस चक्कर में फंसा हुआ है, कोई ये असल में नालियां इनकी साफ होती रहे तो कभी ये नौबत ना आए। आगे बढ़ेंगे, अब आपको दिल्ली के प्रगति मैदान टनल की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इंडिया गेट से नोएडा जाने वाले इस टनल में बारिश का जबरदस्त पानी भर गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक को रोकना पड़ा। क्या हुआ? बारिश की वजह से पूरा टनल जलमग्न हो गया, मतलब जल भराव जबरदस्त, पूरा टनल जो है पानी में डूब गया, जिसमें से पानी निकालने के लिए वहां पर मोटरों को लगाया गया, मतलब मोटर्स वहां पर लगा, मोटर के जरिए पानी निकाला गया, उसकी निकासी की गई। अब अलग अलग दावे हैं इसमें, वो हालांकि इतना पानी तो नहीं भर सकता, लेकिन जो बीजेपी आरोप लगा रही है वो दूसरी कहानी बता रही है। ये वीडियो हम आपको दिखाते हैं। इस टनल में पानी भरने को लेकर बीजेपी ने एक नया वीडियो जारी कर दिया। वीडियो में यह दावा किया जा रहा है, जो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, कि टनल में PWD की सड़क से मोदी को बदनाम करने के लिए इस प्रगति मैदान की टनल में पानी भरा जा रहा है। यह तस्वीर बीजेपी की तरफ से जारी की गई है, कपिल मिश्रा तमाम बीजेपी के नेताओं ने जारी की है, जिसमें लिखा है कि मोदी से नफरत इतनी ज्यादा हो चुकी है कि दिल्ली वालों को परेशान करना शुरू कर दिया है, कि PWD की जो सड़क है वहां से पानी का निकास करके सीधा जो है प्रगति मैदान जो टनल है उसमें डाला जा रहा है ताकि वहां पर पानी भर जाए, लेकिन वो ये प्रगति जो मैदान वाला टनल है उसको बदनाम या फिर मोदी को बदनाम करने के लिए सब किया जा रहा है, ये दावा है बीजेपी का। अब दो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, कैसे एक तस्वीर में टनल में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है और दूसरी तस्वीर में पाइप के जरिए टनल में पानी गिराया जा रहा है। बीजेपी कह रहे कि PWD वाली जो सड़क है जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है उनकी जिम्मेदारी बनती, तो वहां से पानी निकालकर जो है ये बीजेपी को और मोदी को बदनाम करने के लिए प्रगति मैदान टनल में डाला जा रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार ने सुबह PWD सड़क पर भरे पानी को टनल में गिराया ताकि प्रधानमंत्री को बदनाम किया जा सके। ये सच क्या है हम नहीं जानते, लेकिन तस्वीरें दोनों आपके सामने हैं और बयान भी इसको लेकर आ चुका है। आम आदमी पार्टी किस हद तक गंदी राजनीति कर सकती है इसका आज की मिसाल है, जब पूरी दिल्ली पानी से भरी हुई है, त्रस्त हैं दिल्ली के लोग। ऐसे में आम आदमी पार्टी प्रगति मैदान टनल के अंदर अपने पंप लगाकर पानी भर रही PWD रोड से। मकसद क्या है कि उस टनल को भर दिया जाए पानी से और फिर TV का ध्यान उधर किया जाए और कहा जाए देखिए मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, इस टनल को उन्होंने बनवाया था और ये पानी से भरा हुआ है। उधर आपको बता दें, दिल्ली में मानसून की पहली बारिश के बाद एक भयानक खौफनाक हादसा हुआ, बहुत भयानक दर्दनाक, लेकिन उस हादसे से ज्यादा भयानक खौफनाक सियासत भी रही। आज करीब क्या हुआ, सुबह 5 बजे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पार्किंग की एक छत गिर गई। हादसे में एक कैब ड्राइवर की कार में बैठे बैठे मौत हो गई, बहुत ही दर्दनाक हादसा, बहुत खौफनाक हादसा, 8 लोग जख्मी हुए, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। खबर यह भी आ रही है कि अब FIR भी इस पूरे मामले में दर्ज कर ली गई है, यह भी इस वक्त हमको खबर मिल रही है। इस हादसे को लेकर दिल्ली पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है। देखिए, आज यह हादसा उस वक्त हुआ जब Terminal 1 पर डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए पार्किंग एरिया में सुबह गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी, इसी दौरान पार्किंग की छत गिर गई। छत का भारी भरकम हिस्सा, लोहे के 3 सपोर्ट बीम भी गाड़ियों पर गिर गए।
इस दौरान यहां खड़ी कारें बीम में दब गईं। अब इस हादसे पर भी राजनीति शुरू हो गई। मतलब बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि किसी के मरने पर भी ये मौका मौका वाली जो पॉलिटिक्स है ना, ये मोदी को बदनाम करने का मौका यहां पर भी लोगों को मिल गया। जिस शख्स की दर्दनाक मौत हुई उससे ज्यादा इस बात की खुशी हो रही थी कि यह बताने में कि ये तो मोदी के टाइम पे, इसका उद्घाटन तो मोदी जी ने किया था, मतलब इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था, वो बताने में ज्यादा खुशी हो रही थी। जबरदस्त राजनीति। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च में एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था, आज उसकी छत ढह गई जिसमें कैब ड्राइवर की दुखद मृत्यु हो गई। कैब ड्राइवर की दुखद मृत्यु से ज्यादा जरूरी यह बताना था कि प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। वैसे तो उद्घाटन जो हुआ था ना वो सच आपको बताऊंगा तो कांग्रेस मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, 2009 में हुआ था। मगर सोचिए, हम बार बार कह रहे हैं कि 9 में हुआ, 24 में हुआ, 14 में, वो मायने नहीं, महत्वपूर्ण है इंसान की जान चले जाना, वो दर्दनाक है। जिसकी जान गई उसके परिवार वाले को बताओ कि 9 में हुआ, 14 में हुआ। इसके अलावा प्रियंका ने बताया कि अच्छा, अयोध्या में जल भराव की खबरों से भी पूरा देश दुखी है, और प्रियंका वाड्रा के इसी दावे को लेकर एक बार फिर से फेक न्यूज फैलाने के आरोप में वो घिर चुकी हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने कहा कि पीएम मोदी ने, ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो हम बार बार कह रहे हैं इंसान की जान कीमती है, ये पॉलिटिक्स के चक्कर में वो कब बना, मोदी ने उद्घाटन किया नहीं किया, वैसे तो फैक्ट जो है ना, फेक न्यूज जो लोग फैला रहे थे ना, उसका फैक्ट सुनिए। राममोहन नायडू ने बताया कि पीएम मोदी ने टर्मिनल 1 में जिस बिल्डिंग का उद्घाटन किया था वो दूसरी तरफ है। जिस तरफ टर्मिनल 1 का शेड गिरा है उसका निर्माण और उद्घाटन कब हुआ था? 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान किया गया था। हम बार बार वो कह रहे हैं 9 में हुआ, 14 में हुआ, कब हुआ, वो उससे ज्यादा जरूरी इंसानी जिंदगी है। इसके अलावा ना, जब हमने भी दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 को लेकर रिसर्च की तो एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली, बहुत पीड़ा होगी जो अब हम बताने जा रहे हैं। जानकारी है कि कांग्रेस सरकार में 2009 में उद्घाटन के ठीक तीन महीने बाद एयरपोर्ट का ये टर्मिनल डैमेज हो गया था, बारिश हो गई थी। इसके अलावा आज जो राम मंदिर में लीकेज की फेक न्यूज फैला रहे ना, गर्भगृह में पानी टपक रहा है, जो झूठ फैलाया जा रहा है गर्भगृह में, वही लोग 70 साल तक रामलला को टेंट में आंधी बारिश में भीगते देखते रहे, तब दर्द नहीं हुआ, तब उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। सोचिए, प्रभु राम सालों साल टेंट में रहे, 497 सालों का संघर्ष, वो टेंट में रहे, तब पानी टपक रहा था, तब परेशानी नहीं हुई। अब फेक न्यूज फैला रहे हैं कि गर्भगृह में पानी टपक रहा है। अगर सच्ची नीयत से यह काम करती तो रेलगाड़ी में एक्सीडेंट नहीं होते, अगर सच्ची नीयत से यह काम करती तो ये पवित्र राम मंदिर में इस प्रकार का आज वहाँ पर बारिश की से जो पानी लीक हो रहा है वो नहीं होता। तो ये सब दर्शाता है कि इनकी नीयत में खोट है। तो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है, जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में, 2009 में पुरानी बिल्डिंग है, 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो अभी करवाएंगे। उधर एक दिन की बारिश में दिल्ली पानी में डूब गई, जलमग्न। आम आदमी पार्टी अभी भी प्रदर्शन मोड से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। सोचिए, मुख्यमंत्री जी जेल में हैं, जल मंत्री जी का धरना चल रहा था वो खत्म हुआ, 4 दिन में अनिश्चितकालीन अनशन खत्म हुआ। अब लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि देखिए अब इतनी बारिश हो रही है, जल जमा हो रहा है, अब मेयर, कहीं मेयर भी ना धरने पर बैठ जाए। आज जब दिल्ली की सांसें बाढ़ जैसे पानी में फंसी हुई थी ना, तब आपको लग रहा होगा कि दिल्ली सरकार और नेता तमाम जो है वो इसमें एक्शन मोड में होंगे। प्रदर्शन चल रहा संसद में आज भी केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में। आम आदमी पार्टी के सांसद क्या कर रहे थे? संसद में प्रदर्शन चल रहा था साहब, केजरीवाल की रिहाई के लिए नारे लगाए जा रहे थे। वो सर कल लग जाते, आज दिल्ली वालों के लिए जरूरी था, तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए जा रहे थे। यानी आज जहां आम आदमी पार्टी का ध्यान दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए होना चाहिए था, लेकिन आम आदमी पार्टी का ध्यान कहां है? आज केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ संसद में प्रदर्शन हो रहे हैं। कल आम आदमी पार्टी ने देशव्यापी धरने की तैयारी कर रखी है। जब जल संकट था तब भी केजरीवाल सरकार के पास उससे निपटने का एकमात्र उपाय क्या था? धरना। आतिशी जी धरने पर चली गई थी, जल संकट, जल मंत्री धरने पर। सोचिए, कोविड आए, कोरोना आए, स्वास्थ्य मंत्री धरने पर चला जाए।
मतलब क्या दिल्ली में सूखा लाने के लिए भी आप लोग मजाक में पूछ रहे हैं धरना दिया जाएगा? अब मेयर धरने पर बैठ जाएंगी क्या? क्योंकि चार दिन का निश्चितकालीन धरना, आप कहीं मेयर ना बैठ जाए उसमें, क्योंकि आज दिल्ली में पानी के लिए अनशन पर बैठी जल मंत्री आतिशी जी के घर में, जल मंत्री के घर में आसपास कई फीट पानी घुस गया था जल मंत्री। इसके अलावा दिल्ली में आज समाजवाद की एक दिलचस्प तस्वीर भी देखने को मिली, रामगोपाल यादव जी के घर में भी पानी भर गया और कार घर के बाहर खड़ी थी, इसलिए रामगोपाल जी को कार तक पहुंचाने के लिए मानव निर्मित पालकी बनाई गई और नेताजी कंधों पर चढ़कर कार तक पहुंचे। दिल्ली में मॉनसून की पहली बारिश ने पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी, क्या आम लोग और क्या नेता। इस बार बारिश के सामने ध्वस्त हुए सिस्टम की मार सबने झेली है। दिल्ली में राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव का घर भी बारिश के पानी से नहीं बच पाया। ये पूरा जो इलाका है ये देखिए जरा, ये कोठी है उनकी और काफी अरसे से है, ये देखिए इसमें चलना मुश्किल हो रहा है, लगभग एकदम जैसे लग रहा है कि नदी बन गया। और ये देखिए जो जेनसेट आए हुए हैं, जनरेटर आए हुए हैं कि पानी निकाला जाए, वो उनकी अपनी व्यवस्था है। उनका ये कहना है कि NDMC की तरफ से या जो लोग यहाँ पर जो लोग जिम्मेदार लोग हैं उनकी तरफ से कोई यहाँ पर इंतजाम नहीं हुआ है। लेकिन ये देखिए ये घर है उनका और घर के अंदर पानी घुस गया, देखिए वो जो गार्ड रूम है उसमें पूरा पानी घुसा हुआ है। और ये जो उनकी बैठक है, बैठक में भी पूरा चारों तरफ जहां भी आपकी नजर जाएगी आपको पानी ही पानी दिखेगा। रामगोपाल यादव संसद जाने के लिए जब घर से बाहर निकले तो चारों तरफ पानी से लबालब, सड़क पर चलने की जगह नहीं थी। कई घंटों तक रामगोपाल यादव ऐसे ही फंसे रहे और आखिर जब सब्र जवाब दे गया तो दूसरों के कंधों के सहारे अपनी गाड़ी तक पहुंच सके। 4 बजे से मैं कोशिश कर रहा हूँ, 4 बजे से, और तमाम लोगों से बात की। एक कोई IAS हैं, अप्पू या पप्पू कुछ ऐसा ही नाम है, उनसे भी की, चीफ इंजीनियर काक भेजेंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो सेक्रेटरी हैं IAS सुरेंद्र सिंह, उनका टेलीफोन भी आया था कहीं से, किसी ने कहा होगा, उन्होंने कहा भी चीफ इंजीनियर पहुंच रहे हैं 5 मिनट में, उनको 1 घंटा हो गया, फिर उनका टेलीफोन आया कोई आया कि नहीं आया, कोई आया नहीं। सब हाई अप्स भी जब हायर अप्स के अधिकारी कह रहे हैं, इसके बाद भी NDMC का कोई केयर नहीं कर रहा है। कुछ दिन पहले दिल्ली में पानी के संकट पर धरने पर बैठी आतिशी के घर के बाहर सैलाब ने डेरा डाल दिया और आतिशी का घर टापू बन गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि आतिशी के घर के बाहर ही नहीं, उनके घर के अंदर भी पानी देखा जा सकता है। और यहाँ पर लुटियन जोन के जो तमाम घर हैं वो यहाँ पर है, राज्य मंत्री का घर है, और अब जिस बाउंड्री पर हम फिलहाल चल रहे हैं ये है दिल्ली की मंत्री, जल मंत्री आतिशी का घर, जिसके बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूरा पानी भरा हुआ। और देखें इस पूरी लेन में किस तरह पानी भरा हुआ है कि बैरिकेड भी जो है वो आधे से ज़्यादा पानी में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। ये बैरिकेड्स आप देख रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगाएंगे कि कितना गहरा ये पानी है, हम घुटनों के ऊपर से तकरीबन हमारे पानी जो है वो बह रहा है। ये लुटियंस दिल्ली में शशि थरूर के घर की तस्वीरें हैं। बारिश का पानी तो शशि थरूर के घर के अंदर घुस गया। थरूर ने वीडियो पोस्ट कर कहा कि उनके घर में 1 फुट पानी भर गया और कालीन से फर्नीचर तक हर चीज बर्बाद हो गई। थरूर ने यह भी लिखा कि वो नाव के बिना संसद नहीं पहुंच सकते। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का घर भी पानी की मार नहीं झेल पाया। एक हाथ में जूते और दूसरे हाथ में बैग लेकर मनीष तिवारी नंगे पर संसद के लिए निकले। दिल्ली में जहां सांसद रहते हैं या विधायक, हर जगह घुटनों तक पानी भरा है और सड़कें दरिया बन गई हैं। दिल्ली की हालत पर अब नेता भी, आप सोचिए, सिटीजन रिपोर्टर बन गए हैं। जी हाँ, अपने इलाके से जल भराव की रिपोर्टिंग कर रहे हैं नेता, मनोज तिवारी से लेकर तमाम दूसरे नेता ग्राउंड रिपोर्ट क्या दे रहे हैं, देखिए अब आप। पानी का इंतजार कर रही दिल्ली एक दिन में गंदे पानी का दरिया बन गई है। जहां देखो वहां नाले का पानी लबालब सड़क पर बह रहा है, सीवर जाम है, अंडरपास पानी में डूब चुके हैं।
गाड़ियों ने सरेंडर कर दिया है, पूरी दिल्ली रेंग रही है और दिल्ली वाले मजबूर होकर किस्मत को कोस रहे हैं। पानी ऐसा बेहिसाब है कि चलना दुश्वार है। घर से निकले तो समझो पानी में डूबना पक्का है और रास्ते में फंस गए तो उनका निकलना मुश्किल है। ये राजधानी दिल्ली है, जिधर देखो मुसीबतों का पानी सैलाब की तरह घुस चुका है। अट्ठासी साल बाद जून के महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। सड़कों पर 4 से 5 फीट पानी भरने से कारें डूब गईं, सड़कों पर नाव चली। इस बार दिल्ली की बारिश में कैसे सिस्टम की जल समाधि हो गई, दिल्ली के कौन से इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए, पूरा सिस्टम फेल हो गया, इसके लिए बीजेपी के नेता ही ग्राउंड पर उतरकर रिपोर्टिंग करने लगे। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर जलभराव की तस्वीरें दिखाई और आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ विज्ञापनों पर पैसे खर्च किए लेकिन काम कुछ नहीं किया। यही आम आदमी पार्टी की असली व्यवस्था है। विज्ञापन पर पूरा जोर है, व्यवस्था कमजोर है। आपने देखा होगा मिंटो ब्रिज हो, दिल्ली के अलग अलग इलाके हो, आर्टीरियल रोड हो, गाड़ियां डूब गई और अभी भी जल भराव किस प्रकार से हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो भी दावे किए थे वो खोखले निकले। पहली बारिश में ही दिल्ली के कई इलाके दरिया बन गए। आपको दिल्ली के विनोद नगर की तस्वीर दिखाते हैं जहां बीजेपी के पार्षद नाव से जाते दिखे। इस दौरान बीजेपी पार्षद रविंद्र सिंह नेगी ने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली को लंदन बनाने का वादा किया था लेकिन दिल्ली को इटली का वेनिस बना दिया। आज देख सकते हैं मैं पीडब्ल्यूडी का नाला दिल्ली सरकार का सामने, ये पीडब्ल्यूडी का नाला सारा ओवरफ्लो है। मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई जिसकी वजह से जलभराव की समस्या आ चुकी है। हम सदन में बार बार ये आवाज उठा रहे थे, हमने सदन में कहा निगम के सदन में कि नालों की सफाई कराइए, पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई कराइए। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। अब सुबह सुबह सब ऑफिस को जा रहे हैं पर जल भराव इतना है, किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी की बस खराब हो रही है, सामने बस खराब है और इतना बुरा हाल है इनके इनके मंत्रियों के कान में जू नहीं रह गई, गाड़ी डूब गई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी जल भराव और जाम नालों को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेता इस बारिश में कहीं नजर नहीं आ रहे और बीजेपी के नेता ग्राउंड पर उतरकर खुद सफाई अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। हम अलग अलग नालों पे जा करके कह रहे हैं इसको साफ करो, डीसिल्टिंग करो, यमुना जी के कई क्षेत्रों को, तो वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जमीन पे ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। वो सिर्फ ब्लेम गेम और भ्रष्टाचार में लगी है और ये है परिणाम कि थोड़ी सी बारिश हुई और आज दिल्ली जलमग्न है, 50 बीमारियां होने की खतरे हैं और हम सब सड़कों पे हैं लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता गए। बीजेपी नेता दिल्ली सरकार से नाले और सीवर की सफाई को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक जल भराव वाली जगह पर अधिकारियों के साथ दौरा करने की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आतिशी ने 4 दिन का उपवास किया और 4 दिन से आराम कर रही हैं। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हमें कोई जानकारी नहीं कि एलजी साहब ने किस चीज की मीटिंग की। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने मुंडका इलाके में जाकर वहां की स्थिति दिखाई। पानी में डूबी सड़क के बीच खड़े होकर उन्होंने दिल्ली में फेल हुए सिस्टम की असली तस्वीर दिखाई। योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि उनके इलाके की इतनी बदतर हालत हो गई थी कि उन्होंने संसद जाने की जगह ग्राउंड रिपोर्ट करने को प्राथमिकता दी। इसी पानी के अंदर अगर कल तक ये नालों की सफाई में काम शुरू नहीं हुआ और बारिश आएगी तो यही पानी के ऊपर बैठ जाऊंगा, मैं ये बैठ जाऊंगा। देखिए कि देखिए किस प्रकार की हालत, गाड़ी खराब हो गई है। आप तो अस्पताल में बिस्तर पर आराम फरमा रही हो, पानी दे नहीं सके आप, और प्री मानसून की पहली बारिश के अंदर आज ये हालात हो गई है। मैं कहना चाहता हूँ ट्रैफिक जाम है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ।